नमस्कार दोस्तों, आपके नाम से कितने नंबर रजिस्टर है, आपके फोन में जो सिम है वो सिम के पीछे कितने नंबर चल रहे हैं कैसे पता कर पाओगे आप, आपके आधार कार्ड से कितने नंबर लिंक है, फेक कितना नंबर है उसको बंद कैसे करें कैसे पता कर पाओगे आप, मैं जो क्यों सब्सक्राइब किया है दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल प्रूफ करके बताऊंगा। अभी इसी मोबाइल से ये वेबसाइट मैंने ऑन रखा है कि आपके नाम से कितने नंबर चल रहे हैं वो आप पता कर पाओगे इसी मोबाइल से। अभी मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके लाइव आपको बताता हूँ कि आपके जो मोबाइल में सिम है आपके नाम से कितने नंबर रजिस्टर हैं, यदि वो नंबर आप चला नहीं रहे हैं तो उसको कैसे बंद करा सकते हैं एकदम अर्जेंट तुरंत। अब जैसे कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन किया है, आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है TAFCAP टैफ कैप, सर्च कर लेना है सिंपली। जब आप सर्च करेंगे आपके सामने ऐसी वेबसाइट खुल के आ जाएगी, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डरने की कोई बात नहीं है, ये एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो टैफ कैप के ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देना है सिंपली, उसके बाद से जो वेबसाइट खुलेगी तो आगे का चीज़ें मैं बताता हूँ कि कैसे करना है। और थोड़ा सा सर्वाइव करते हुए आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देगा 10 डिजिट मोबाइल नंबर। आपको जो लगता है कि जो मेरा सिम है ये मेरे आधार कार्ड से लिंक है या नहीं भी लगता है, वो नंबर आप जो आपके पास है वो फिलअप कर दीजिए। जैसे कि मेरे पास 2 नंबर शो हो रहे हैं तो मैं एक नंबर को यहाँ फिलअप कर देता हूँ सिंपली। आप यहाँ पे कैप्चर फिलअप कर दीजिए। अब कैप्चर आप अच्छे से फिलअप करना है, अच्छे से ध्यान से देख के, जो कैपिटल में है कैपिटल में, जो स्मॉल में है जो स्मॉल में, उसके बाद से यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब क्या होगा कि थोड़ी देर में ही यहाँ पे OTP आएगी, ठीक। अब OTP आएगी यहाँ पे, देख सक्सेस हो गया, सक्सेस टू हो गया। अब यहाँ पे OTP टाइमिंग चल रहा है और 2 मिनट बाद यहाँ खुद ही OTP आ जाएगी। OTP भर के मैं दिखाता हूँ आपको कि जो मेरे नाम से कितने नंबर सेव हैं, ठीक ना। तो OTP आने का थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग। OTP आ गई है, मैंने फिलअप भी कर लिया है और सिंपली यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर देना है। बस आपको कुछ नहीं करना है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपकी OTP और कैप्चर और मोबाइल नंबर सही होगा तो यहाँ पे एक नया वेबसाइट खुल जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं नंबर, यहाँ पे लिया मोबाइल नंबर रजिस्टर इन योर 2 नेम्स, मतलब आपका जो मोबाइल नंबर है वो 2 नाम से रजिस्टर है। यहाँ पे नोट माई नंबर यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका जो नंबर है, सच में यार जो मैं नंबर यूज करता हूँ, जो मेरे आधार कार्ड से अभी तक 2 नंबर लिंक है, जो कि दिखा रहा है लास्ट में 95 और ये लास्ट में 12 नंबर है। यदि आपका पास जो नंबर आते हैं जो आपको लगता है कि यार निचले वाला नंबर मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, यूज करता था लेकिन वो भूल गया है, तो आपको बंद करने के लिए नॉट रिक्वायर्ड पे क्लिक करिएगा, चाहे यहाँ पे कर सकते हैं नॉट माई नंबर और ओके पे क्लिक कर सकते हैं। बट आपके पास जब नंबर होगा तो ओके पे क्लिक नहीं करेंगे, बैक आ जाएंगे। तो इस तरीके से मैं बैक बंद कर देता हूं स्क्रीन रिकॉर्डिंग। इस तरीके से बहुत ही आसानी तरीके से आप पता कर पाएंगे कि आपका मोबाइल नंबर आपका नाम से कितने नंबर चल रहे हैं, आपके आधार कार्ड से कितने नंबर चल रहे हैं, यदि जो एक्स्ट्रा नंबर है जो नहीं चल रहे हैं उसको कैसे डिलीट कर पाएंगे। आप नॉट रिक्वायर्ड में बस क्लेम करेंगे, तुरंत मैसेज आ जाएगा और आपका वो नंबर बंद हो जाएगा। आशा करता हूँ जो वीडियो में बताया, समझाया, सिखाया आपको पसंद आया होगा। ऐसे और नए ट्रिक्स एंड ट्रिक्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।